Hello friends, how are you? Before starting the geography lesson, I want to share something with you. Keep your target always in mind and work accordingly, you will get it. Keep your target always in mind and work accordingly, you will get it. लक्ष्य को सामने रखें, उसके अकॉर्डेंस में वर्क करें, सफलता की देवी आपका कदम चूमेगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ज्योग्राफी लेसन। आज हम बात करेंगे अलग अलग महाद्वीपों पे झीलों के बारे में। जो इम्पोर्टेंट झील है उनके बारे में हम बात करेंगे। ये पार्ट हमारा एशिया का है, ये पार्ट यूरोप का है और यह पार्ट अफ्रीका महाद्वीप का है। तो यहाँ पे जो एशिया है उसमें ये ऊपर का हिस्सा, ये पूरा इतना बड़ा है रसिया, ठीक है। रसिया में ये जो हम देख पा रहे हैं ये है बैकाल झील, बैकाल लेक। अगर बात आएगी कि दुनिया की सबसे डीपेस्ट लेक कौन है, तो वो है रसिया की बैकाल झील, बैकाल लेक, ठीक है, जो बैकाल माउंटेन पे है। इसके बाद यहाँ जब हम कजाकिस्तान में आते हैं तो यहाँ पे एक लेक है, इस लेक का नाम है बालखस लेक। कजाकिस्तान में क्या है? बालखस लेक। ये है बैकाल लेक और ये है बालखस लेक। और यहाँ जो हम देख रहे हैं दोनों के बॉर्डर पे, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे देख रहे हैं, ये है अरल सी या अरल झील या अरल लेक, ठीक है। और फिर ये सब जानते हैं, ये है कैस्पियन सी, कैस्पियन झील। दुनिया की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? कैस्पियन झील। कहाँ है? एशिया में। दुनिया की सबसे डीपेस्ट झील का नाम क्या है? बैकाल झील। कहाँ है? एशिया में। और इससे जब आगे बढ़ेंगे तो ये इज़राइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे है, डेड सी, वह भी एक झील ही है। और सबसे लोवेस्ट पॉइंट, दुनिया के सबसे लोवेस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो भी क्या है? डेड सी, ठीक है। और डेड सी का है वो भी, दैट इज द पार्ट ऑफ द एशिया। तो देखिए एशिया में क्या क्या है। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील एशिया में है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील सबसे, मतलब कहाँ है? एशिया में है। और दुनिया का सबसे लोवेस्ट पॉइंट कहाँ है? एशिया में है, डेड सी। और हाईएस्ट पॉइंट कहाँ था? एशिया में था, ठीक है। तो एशिया में, तो जब हम एशिया को पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। इसके बाद ये यूरोप का पार्ट है। यूरोप में यहाँ देखिए ये जो झील है, इस झील का नाम है लेक लैडोगा, ठीक है। यूरोप की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? लेक लैडोगा। और उसके ऊपर क्या दिखा रहेगा? लेक ओनेगा। तो ये है लैडोगा झील और ये है ओनेगा झील, ठीक है। जब हम यहाँ पे आते हैं अफ्रीका में, तो अफ्रीका में ये केनिया है, ये तंजानिया है और ये युगांडा है। इन तीनों के बॉर्डर लाइन पे जो झील है इसका नाम है विक्टोरिया झील, ठीक है। जहाँ से दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी का उद्गम होता है और वो नदी सीधे कहाँ चली जाती है? मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन हो जाती है, ठीक है, ज्वाइन कर लेती है। तो अब तक हम लोगों ने किसको देखा? बैकाल झील, बालखस झील, अरल झील या अरल सागर, कैस्पियन सागर और मित्र सागर। उसके बाद यहाँ पे क्या देखा? विक्टोरिया झील, लैडोगा झील और ओनेगा झील, ठीक है। तीन महाद्वीप को हमने कवर कर लिया। थोड़ा सा इसको हम जूम करके देख लेते हैं। अब ये आप ठीक से देख पाएंगे, ये है बैकाल लेक, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, देखिए, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो क्या यहाँ पे दिखा रहा है? लेक बैकाल। कहाँ है? रसिया में। ये जो लेक बैकाल है रसिया में, वो डीपेस्ट लेक है दुनिया की, ठीक है। और यहाँ पे, और इसको जूम करिए, दिस पॉइंट इज, दिस इज द लेक बालखस। कहाँ है? कजाकिस्तान में, ठीक है। और किर्गिस्तान में भी एक झील है जिसका मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन इसका नाम है इसिककुल, ठीक है। किर्गिस्तान में जो झील है उसका क्या नाम है? इसिककुल। ये बालखस था कजाकिस्तान में और किर्गिस्तान में है इसिककुल। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो उज्बेकिस्तान में यहाँ पर देखिए ये है साउथ अरल सी, एक तरह से अरल सागर है जो कि एक झील है, ठीक है। और उसके जब आगे बढ़ेंगे तो ये कैस्पियन सी, कैस्पियन झील, दुनिया की सबसे बड़ी झील, ये सब हम लोग जानते ही हैं।
अब हम लोगों को चलना होगा यूरोप वाले पार्ट में। यूरोप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक लैडोगा। तो ये देखिए फिनलैंड है, ये कौन सी झील है? ये है लेक लैडोगा झील, ठीक है। और ये कौन सी है? लेक ओनेगा झील। तो यूरोप की जो सबसे बड़ी झील है उसका क्या नाम है? लेक लैडोगा, ठीक है, लेक लैडोगा। अब हमें कहाँ चलना है? हमने एशिया महाद्वीप को देखा, यूरोप महाद्वीप को देखा, अब हमें देखना है अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, दिस इज द क्लियर पिक्चर। यह है युगांडा, यह है तंजानिया और यह है केन्या। इन तीनों के बॉर्डर पे कौन सी झील है? ये है लेक विक्टोरिया। और यहीं से कौन सी नदी निकलती है? तो नील नदी निकलती है, ठीक। इसके ऊपर यहाँ पे केन्या में एक झील है, केन्या के अंदर जो झील है उसका नाम क्या है? लेक तुरकाना। लेक तुरकाना देखिए केन्या के अंदर है। और युगांडा केन्या तंजानिया के बॉर्डर पे ये कौन सी है? लेक विक्टोरिया, ठीक है। अब विक्टोरिया से थोड़ा सा नीचे आप देखिए इसको, ये जो झील है इसका नाम है लेक तंगानिका। लेक तंगानिका और लेक तंगानिका के बाद ये जो झील है इसका नाम है लेक मलावी। इसका एक और भी नाम है न्यासा, ठीक है, लेक न्यासा या लेक मलावी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हो लेक मलावी। तो यहाँ पे हमने कितनी झीलें देख लिया? गुड, ये क्या है? लेक केन्या के अंदर ये क्या है? लेक तुरकाना, लेक विक्टोरिया और ये लेक तंगानिका और ये लेक मलावी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट लेक हैं। अच्छा, विक्टोरिया लेक अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, बड़ी झील है, और जो तंगानिका है वो अफ्रीका की सबसे डीपेस्ट लेक है, सबसे गहरी झील है। अब हमें कहाँ चलना होगा? अब हम चलते हैं उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। ये आ गया उत्तरी अमेरिका। इसको हमें याद रखना होगा कि उत्तरी अमेरिका में एक झील है जिसका नाम है सुपीरियर झील, और सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी, ठीक है, मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जबकि यहाँ पे जो सुपीरियर झील है वो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। इसको भी हम जूम करके देख लेते हैं कौन कौन सी लेक है यहाँ पे। ये पांच लेक हैं यहाँ पे, इनको ग्रेट लेक के नाम से जानते हैं। फाइव लेक हैं और इनको ग्रेट लेक के नाम से जानते हैं। अब आपको स्पष्ट होगा ये जो लेक है यह है सुपीरियर झील या लेक सुपीरियर, ठीक। उसके नीचे ये जो झील है इसका नाम है मिशिगन झील या लेक मिशिगन, ठीक है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ द, ठीक है, ये कनाडा में भी है और यूएसए में भी है। और ये कौन सी झील है? ह्यूरान, लेक ह्यूरान, ठीक है। तो लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरान, और जो ये नीचे है इसका नाम है लेक इरी, लेक इरी। और यह जो झील है इसका नाम है लेक ओंटारियो, लेक ओंटारियो, ठीक है। यहीं से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी, और वह कहाँ जाती है? गल्फ ऑफ लॉरेंस में, ठीक है। जो सेंट लॉरेंस नदी है वो यहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है? गल्फ ऑफ लॉरेंस में। तो ये थी हमारी ग्रेट लेक, पांच लेक। फिर से नाम याद कीजिए, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरान झील, इरी झील और ओंटारियो झील। कनाडा में चलते हैं। जब हम कनाडा में चलते हैं तो दिस इज़ द अपर पार्ट एंड दिस इज़ कॉल्ड कनाडा, ठीक है। तो ये जो झील है इसका नाम है लेक विनिपेग, लेक विनिपेग। और लेक विनिपेग के नीचे एक झील है, इसका नाम है लेक मैनिटोबा, लेक मैनिटोबा, ठीक है। और जब इसके ऊपर हम चलते हैं तो इसका नाम है, इस झील का नाम है रेंडियर झील, ठीक है, रेंडियर लेक या रेंडियर झील।
और जब उसके ऊपर चलते हैं तो ये झील है हमारी लेक अथावस्का, लेक अथावस्का। और लेक अथावस्का के जो ऊपर है ये है ग्रेट स्लेव लेक। क्या नाम है इसका? ग्रेट स्लेव लेक। और ये है ग्रेट बियर लेक। ओके, ग्रेट बियर लेक, तो लाइन से नाम जानते हैं। दिस इज द ग्रेट बियर लेक इन कनाडा, दिस इज द ग्रेट स्लेव लेक इन कनाडा, एंड आल्सो दिस इज द लेक अथावस्का इन कनाडा। इसके अलावा कनाडा में तीन हमने देखा, और दिस इज द रेंडियर लेक, ये भी कनाडा में है, और ये है विनीपेग लेक, ये भी कनाडा में है, और ये था लेक मैनिटोबा, ठीक है। यह भी ये झील एक ऊपरी झील है, लेक नीचे वाला क्या है? लेक मैनिटोबा, ठीक है। ये क्या है? ये भी कनाडा की झील है। तो कनाडा में हमने बहुत सारी झील देख लिया, और यूएसए में भी हमने झील देखा। ये जो हमें पांच दिखाई दे रहा है बॉर्डर लाइन पे कनाडा और यूएसए के। अब हम चलते हैं साउथ अमेरिका में, ठीक है। नॉर्थ के बाद हम कहाँ चलते हैं? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में ये है पेरू और ये है बोलीविया। यहाँ भी बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन जो हमें झील का नाम याद रखना है, सबसे बड़ी जो झील है यहाँ की, अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी थी? नॉर्थ अमेरिका की सुपीरियर झील। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है लेक टिटिकाका। ये पेरू और बोलीविया का जो ये जो बॉर्डर है यहाँ पे है लेक टिटिकाका। और सबसे ऊंचे ऊंचाई पे नौकायांची झील भी है ये, देखिए ये बॉर्डर पे आपको दिख रही है, इसी लेक का नाम है लेक टिटिकाका। और ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पे हम सिर्फ लेक टिटिकाका को याद रखते हैं। लगभग हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया को कवर कर लिया। अब हम आते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो ये एक झील है इसका नाम है लेक आयर, ठीक। यहाँ पे है लेक आयर। और हमने ये कहा था कि दुनिया का जो सबसे छोटा देश है, दुनिया का जो सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। कहाँ था? इस इटली के रोम के पास में। अब थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को एक बार रिवाइव करते हैं। जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, झील के बारे में हमने देख लिया, अब जो पीछे हमने पढ़ा था उसको रिवाइव करते हैं। दिस इज द इटली, इटली की जो कैपिटल है वो है रोम। एडियाटिक सी आपने देखा ही था, ठीक है। ये रोम, रोम के बगल में ही वेटिकन सिटी है, ठीक है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। और जो दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश था उसका नाम बोला गया था मोनाको, ठीक है, मोनाको। ये जस्ट हम आपके रिवीजन के लिए ले रहे हैं। इटली के अंदर रोम के पास में वेटिकन सिटी, सब दुनिया का सबसे छोटा देश। उसके बाद दूसरे नंबर का सबसे छोटा देश मोनाको, और जो तीसरे नंबर का सबसे छोटा देश था वो था नेहरू। और नेहरू को कहाँ हमने बताया था? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेहरू कहाँ पे था? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कहाँ? माइक्रोनेशिया में। ये देखिए ये जो पार्ट है, ठीक है, नेहरू हमको यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। वो दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे छोटा देश है। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि नेहरू हमें दिखाई दे। ये देखिए यहाँ पे है नेहरू। दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड नेशन भी है।
दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड नेशन हमने बताया था इंडोनेशिया को, और दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड नेशन बताया था नेहरू को, ठीक है। ये लगभग 21 स्क्वायर किलोमीटर इसकी पूरी एरिया है नेहरू की, ठीक है। और ये किसका पार्ट है? माइक्रोनेशिया का, स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया आप यहाँ देख रहे हैं, और माइक्रोनेशिया मतलब ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है नेहरू। तो तीनों हमने देख लिया, वेटिकन सिटी, मोनाको और नेहरू। दोस्तों आने वाले लेसन में, अच्छा एक चलते चलते एक चीज़ और हम देख लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है वो है पापुआ न्यू गिनिया। ग्रीनलैंड कहाँ था? वहाँ पे था, ठीक है, कनाडा के पास में था ग्रीनलैंड। और पापुआ न्यू गिनिया कहाँ है? यहाँ पे है, बॉर्डर लाइन पे है एशिया ऑस्ट्रेलिया के। और जो तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है वो है, ठीक है, दिस इज बोर्नियो, ठीक है, वो है बोर्नियो। और बोर्नियो के बाद जो चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है वो है ये मेडागास्कर। तो अगर हमें चार आइलैंड को गिनना हो तो हम किसको गिनेंगे? ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बाद इस पापुआ न्यू गिनिया को, फिर बोर्नियो को, उसके बाद मेडागास्कर को, फिर सब इसके बाद छोटे छोटे होते चले जाएंगे। लेकिन बोर्नियो के पास, ये जो बोर्नियो है इसके बगल में ये दो आइलैंड हमें दिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इस आइलैंड का क्या नाम है? है तो ये पूरा इंडोनेशिया का पार्ट, लेकिन ये आइलैंड, ये लाइन का क्या मतलब, इसका नाम क्या है? जैसे इसका नाम बोर्नियो है उस तरह से इसका नाम ये सुमात्रा है और ये जावा है। ऊपर वाला हिस्सा क्या है? सुमात्रा, और ये वाला हिस्सा जावा। चूँकि नाम ले लिया गया तो देखिए ये ऊपर से नीचे आया हुआ मलेशिया और सिंगापुर, और ये पूरा इंडोनेशिया का पार्ट है। बीच में है मलक्का स्टेट। कौन सा स्टेट है? मलक्का, जो क्या करता है, इस इंडोनेशिया को और मलेशिया सिंगापुर को सेपरेट करता है, अलग करता है, ठीक है। इन दिस लेसन इट्स टू मच, थैंक यू सो मच। आने वाले लेसन में पुनः हम बात करेंगे इन डिटेल, जो भी हम बात करेंगे, जैसे हम एशिया को उठाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे, अफ्रीका को उठाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, यूरोप उठाएंगे तो भी हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ये था एक ट्रैक जिस मतलब हम थोड़ा थोड़ा जानने लगे, इसका मतलब ये था कि हम थोड़ा थोड़ा मैप देख के जानने लगे हैं कहाँ पर क्या है, फिर उसका जब डिटेल को हम पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा और पूरी तरह से तस्वीर हमारे दिमाग में मैप कर जाएगी, और किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए हम अपने आप को रेडी पाएंगे। सो रात के 11 बज चुके हैं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, बाय।